दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसके कोई पैसे नहीं लगते, शुक्रिया। अस्सलाम, मैं हूं मोहम्मद नवीद, नवीद व्लॉग्स की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज हम जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं सूरज मंडी। सूरज मंडी में क्या चल रहा है? लॉकडाउन तो वैसे चल रहा है और सूरज मंडी में क्या चल रहा है? सूरज मंडी आपको दिखा देंगे, जो आज से काफ़ी अर्सा पहले चल रही है, आजकल वो बहुत कम हो चुकी है क्योंकि इसकी जगह दूसरी एक मंडी बन चुकी है। इसकी वीरानियाँ आ चुकी हैं या नहीं आई, उस मंडी में क्या क्या पड़ा है, हमने थोड़ा सा सामान लेना है, अगर आपने लेना है तो आप भी आ जाएं, दिखाएंगे कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पड़ी हैं इस वक्त, क्योंकि ये सब्ज़ी मंडी फ़िलहाल के लिए बंद हो चुकी है क्योंकि इसकी जगह एक दूसरी मंडी बनी है बिहारी चौक वाली साइड पर। और इसके साथ ही आपको एक दिखाएंगे मुर्गे, देसी मुर्गे हमने लेने हैं स्पेशल, आज दावत बन रही है हमारे यहाँ, जिसमें मैं सामान लेना है मंडी से, वो भी दिखाऊंगा सूरज मंडी किस तरह की है, और सूरज मंडी भी दिखाऊंगा किस तरह कदीमी शहर है, वो कैसे कैसे शॉप्स हैं, कैसे कैसे घर हैं और उसके अंदर क्या क्या है, वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा हमने दिखाने हैं देसी मुर्गे, देसी मुर्गे लड़ाई वाले भी दिखाएंगे और खाने वाले भी दिखाएंगे, और हम आप हमारे साथ रहिए। और थर्ड हमारा कटापे का देखेंगे लॉकडाउन में किस तरह लोग घरों में बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, तो ये सब कुछ आज हम आपको इस ब्लॉग के अंदर दिखाने जा रहे हैं, तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। चलते हैं फिर हम सूर्य मंडी की जाने। मैं ये दिखाता चलूँ, लॉकडाउन चल रहा है, मैं एक जगह पर खड़ा हूँ, तो जगह आप देख रहे हैं किस तरह मैं भी देख रहा हूँ, आप भी साथ मेरे ये देख रहे हैं साथ, ये यहाँ लोगों का किस तरह रश चल रहा है, लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। लॉकडाउन का यहाँ कोई ऐसा हमें सिस्टम नज़र नहीं आ रहा, जिससे जिसकी जैसे मर्जी आ रही है वैसे चल रहा है, तो फ़िलहाल के लिए ये अपना नुकसान कर रहे हैं, इस वजह से कोरोना के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, तो ये एक वजह है। तो फिलहाल अब क्या कहें उनको, अल्लाह माफ़ करे। ऐसे लोग यहाँ धूल मिट्टी नज़र आ रही है हमें, बिल्कुल ज़्यादा ही काफ़ी रश की तरह नज़र नहीं आ रहा लॉकडाउन में, फिर भी काफ़ी सारे लोग टहल रहे हैं। आपको हमने स्टार्ट में भी दिखाया किस तरह लोग हैं, ये होटल वगैरह खड़ा है, साथ बैंक भी है, सूर्य मंडी हम ये पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल साथ ही पहुंच चुके हैं। ये मैं बाइक पर ही हूँ, मेरे साथ हमने वैसे डबल सवारी नहीं करनी थी, हमने की हुई है, इसके लिए माजरत। तो अपना ये देख रहे हैं किस तरह गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं, हम सूर्य मंडी के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं, अंदर आ चुके हैं। आपको ये देख रहे हैं टेंट वगैरह भी लगे हैं, उसके अंदर सब्ज़ी वाले बैठे हुए हैं। यहाँ आमों, जब आमों का सीज़न है या माल्टे का सीज़न है, तो वहाँ उस वक्त यहाँ फुल रश होता है, रश होता है। आजकल आप देख रहे हैं किस तरह बहुत कम ही रश चल रहा है। तो बहरहाल ये आप देख रहे हैं, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कैसे यहाँ माहौल बना हुआ है। ये 7-8 लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ सब्ज़ी के इंस्टॉल वगैरह लगाए हुए, तो यहाँ सिर्फ कहने का मतलब यही है, सूर्य मंडी से इस वक्त सिर्फ सब्ज़ी मिल रही है जो नॉर्मल रूटीन पे शॉप्स वगैरह पर मिलती है। तो फिर मैं आपको दिखा दूं, ये कुछ शॉप्स बंद पड़ी हैं लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि उन्होंने एहतियातन बंद की हुई है, बाकी सख्ती वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे। मंडी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सूर्य मंडी आपको लग रही है, मैं फिर भी आपको दोबारा दिखा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं हमें, क्या क्या या देखने को दिखाई मिल रहा है। यहाँ एक नॉर्मल रूटीन में 3 से 4 शॉप्स हैं सब्ज़ी मंडी की, ये आप देख रहे हैं कैसे एक ख़त्म हो चुकी है इस टाइम। और अब हम जा रहे हैं आगे सूरज मंडी, देखते हैं फिर हम जाएंगे कहाँ देसी मुर्गे देखने के लिए, तो आप हमारे साथ रहिएगा, चलती है फिर। सूर्य मंडी कैसी थी, किस कंडीशन में, आज से कुछ साल पहले तकरीबन 7-8 साल पहले यहाँ खड़ने की भी जगह नहीं होती थी, आजकल क्या रूटीन है। तो हम आगे चल रहे हैं, फिर सूर्य मंडी दिखाते हैं, सूर्य मंडी शहर किस तरह का है और लॉकडाउन में वहाँ क्या चल रहा है, तो वो आप हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं फिर हम सूर्य मंडी की तरफ। फिर सूर्य मंडी दिखाने के लिए, ये गली है मेन जिसे सूर्य मंडी भी कहा जाता है, शिया मियानी भी कहा जाता है। यहाँ आप आगे बर्फ़ का कारखाना भी है, वो भी दिखाएंगे आपको।
तो यहाँ लोग आप देखें किस तरह डबल सवारी वगैरह की हुई है लोगों ने। तो ये हमने भी ऐसे की हुई है क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी, फिर ऐसी वीडियो नहीं बना सकता था, तो मैं आगे मेरी बाइक वैसे खड़ी है एक जगह पर, वो मैं अपना चेंज कर लूँगा। तो आप ये देख रहे हैं किस तरह लोग टहल रहे हैं। हमने देख लिया, हमने शार्ट शार्ट आपको दिखाया है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। तो अब हम पहुँच चुके हैं देसी मुर्गे, वो आप देखिएगा किस तरह के देसी मुर्गे हैं और हम कौन सा देसी मुर्गा लें। और इसमें से आपको दो तीन हमें दिखाई दे रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। दो तीन लड़ाई वाले भी दिखा खड़े हैं, वो एक तो बहुत ही ख़तरनाक, उनको अलहदा रखा हुआ है उन्होंने, वो देखेंगे कौन सा अलहदा मुर्गा रखा हुआ है, आपको भी दिखाएंगे। चलते हैं फिर देसी मुर्गे की जाने। देख रहे हैं मुर्गे वगैरह खड़े हैं, एक ऊपर बैठा है, ये ख़तरनाक है, इनको तंग वगैरह कर रहा है, ये भी लॉकडाउन की वजह से मुरझाए हुए हैं, परेशान है। देख लिया कैसा लगा आपको भी लाकर, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी सब्सक्राइब की आजकल हमें बहुत ही ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, कल हम नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं हूं मोहम्मद नवीद, अल्लाह ने कहा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसके कोई पैसे नहीं लगते। शुक्रिया।